क्या होता है कि मैं घर पे आता हूँ और देखता हूँ कि ब्लास्ट हो रहा है और काव्या के पल्लू पर आग लगी होती है। तो और काव्या ने मुझे पहले एक हिंट दिया होता है कि मेरी फैमिली वाले उसको ऐसे घूर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो बस जस्ट फॉर द सेफर साइड मैं ऑलरेडी पुलिस को बुला चुका होता हूँ और मेरी पुलिस जितनी भी पुलिस आती है मेरी फैमिली को गिरफ्तार करके ले जाती है। पर आप तो बेवकूफ़ बने ही जा रहे हैं, काव्या ही सबके पीछे है। और यार क्या करूँ ना, मेरा बेवकूफ़ बनने का मन तो बिल्कुल नहीं है, बट अब क्या है कि अब स्टोरी है, राइटर है, मेरे हाथ में होता तो मैं खुद लिख देता, पर अगर मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा तो हमारी स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। अच्छा, जब आपको पता चलेगा कि सबके पीछे काव्या ही है तो क्या? तो काव्या को ही घुसन दूंगा मैं। जब पता चलेगा कि काव्या ही है तो मुझे रियलाइज़ होगा कि मैंने अपनी फैमिली पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया, बट मेरी जगह कोई और भी होगा तो उसको भी ऐसा ही लगेगा। तो इसमें कह सकते कि लक्ष्य कोई गलती नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है। जैसे सबने कहा कि लक्ष्य को रागिनी स्वरा से इतना प्यार नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, पर जब रागिनी ने स्वरा की वीडियो बनाई थी उसको ड्रग देकर, तो जब सबको बिलीव हो गया था तो यार लक्ष्य को क्यों नहीं होगा, लक्ष्य भी तो इंसान ही है। तो अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको भी बिलीव होता है तभी लक्ष्य ऐसी हरकतें करता है, तो कोई ऑप्शन नहीं होता लक्ष्य के पास। बचाने की ट्राई कर रही हो? मैंने कहा था ना, छोरी के लिए कुछ करने वाला है।